ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूँ कृतिका। खबर यूपी के आगरा से है, जहां 11 मई सोमवार को खेरागढ़ के गांव नगला तेजा की 13 साल की छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर मामला गरमाया हुआ है और पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। आपको बता दें, सोमवार को खेरागढ़ के गांव नगला तेजा की 13 वर्षीय छात्रा सुबह सौंच के लिए गई थी। इसी बीच अपराधियों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेता लाल सिंह लोधी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी युवा महासभा धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में तहसील खेरागढ़ के गांव नगला तेजा में सपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जघन्य हत्याकांड की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस घटना से अवगत कराया। देखिए, यहाँ नगला तेजा सैया ब्लॉक खेरागढ़ में बहुत ही बड़ी जघन्य घटना हुई है। एक मासूम बेटी जिसकी उम्र करीब 12-13 साल की थी, वो सुबह कल शौच करने गई थी और कुछ दरिंदे जिन्होंने बुरी तरह से उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उस लड़की को वहीं जान से मार दिया। इतनी निर्मम घटना, ये पूरा देश में इतनी बड़ी घटना जो हुई है, पूरा देश हिल गया है इस बड़ी घटना से। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस समय लॉकडाउन में भी ऐसी घटना हो रही है, पूरी तरह से यहाँ की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की फेल हो चुकी है। हम आपके माध्यम से और समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, इस मामले की CBI जांच की जाए और जो भी अपराधी हो उनको गिरफ्तार करके उनको तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए। अपर्णा निषाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सामाजिक न्याय मंच और समाजवादी पार्टी, संपूर्ण घटना की CBI जांच की मांग करते हुए दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की है। हम इस अभी वर्तमान में उस बिटिया के घर पर ही हैं और जैसे कि ये कल घटना हुई है, कल से लेकर आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और हम चाहते हैं सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से कि इस पर जल्द से जल्द शासन प्रशासन गंभीरता से ले इस मामले को और उस नाबालिग बच्ची जिसके साथ बलात्कार के साथ उसकी हत्या की गई है, वो एक अनाथ बिटिया थी और आज उसका बोलने वाला कोई नहीं है। तो हम समाज के लोग चाहते हैं लोधी महासभा और सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से कि शासन प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करें, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हो और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। राजपूत, अखिल भारतीय लोधी निषाद कस्बिंद महासभा सामाजिक न्याय मंच की कार्यकर्ता की हैसियत से समाज को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारी समाज की बेटी के साथ में जो दरिंदगी की है, प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ, शासन प्रशासन से जल्द बिटिया को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। और मैं प्रशासन से और विनती करना चाहूँगा कि जो बेटी हैं ये अनाथ हैं, तो प्रशासन भी अपनी तरफ से जो है सहयोग करे। अगर प्रशासन करेगा वो तो ठीक है, और हमने लाल सिंह भाई साहब जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी पार्टी से भी जो है इसको उठाइए और आर्थिक मदद दिलाने का भरपूर कोशिश कीजिए। और हम भी अपनी संस्था के माध्यम से और अपने डॉक्टर साहब से मिल करके लोधी निषाद कस्बिंद महासभा सामाजिक न्याय मंच के सभी लोगों पदाधिकारियों से बात करके इनको बेटी को आर्थिक मदद देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हम इन लोगों से वायदा करते हैं कि शासन प्रशासन समाज सब लोगों से इकट्ठा करके इनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। क्षेत्र में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। सपा नेताओं ने मांग की है कि यदि शीघ्र ही पुलिस प्रशासन ने घटना का खुलासा नहीं किया तो सभी समाजवादी पार्टी कड़े रुख से इस कदम के लिए बाध्य होंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए खेरागढ़ से बच्चू सिंह बौद्ध की रिपोर्ट। देखिए, थाना सैया के नगला तेजा गाँव में एक लड़की की जो है हत्या की सूचना मिली है। तत्काल पुलिस ने पहुंचकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि गांव की लड़की है जो सुबह मॉर्निंग घर से निकली थी और उसके बाद यह घटना घटित हुई है। संभवतः वहीं के लोगों की संलिप्तता होगी और टीमें जो लगाई गई हैं उन्हें कुछ सुराग भी मिले हैं। शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।